बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जो डिश सिखा रही हूँ वो है शकरकंदी की खीर। बहुत मज़ेदार, टेस्टी और गज़ाइत से भरपूर है। उसके लिए जो अज्जा मैंने लिए हैं, दूध 1 लीटर, चीनी आधी प्याली, कस्टर्ड पाउडर 2 टेबल स्पून, वनीला कस्टर्ड पाउडर मैंने लिए 2 टेबल स्पून, शकरकंदी 1 पाव, और ये गार्निश के लिए पिस्ता, बादाम, काजू और मेवा, ये हम ऊपर गार्निश करेंगे। एक सबसे पहले मैं शकरकंदी छील लूंगी, इसका छिलका रिमूव करके इसको बॉईल करेंगे। एक बर्तन में मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा हुआ है और उसमें मैं ये डालती जाऊंगी। इसको ऊपर से ढक देंगे और गलने तक इसको पकाएंगे। 10 मिनट तक मैं इसे स्टीम पे पकाऊंगी। 6-7 मिनट हो गए पकते हुए, अब मैं चेक करती हूँ। ये बहुत अच्छी तरह गल गई है और इसे मैं एक बर्तन में निकाल लूंगी। ये पानी वेस्ट कर देंगे। इसमें दूध डाल के बॉयल होने के लिए रख लेंगे। थोड़ा सा दूध बचा लेंगे कि हमने कस्टर्ड और इसको मिक्स करना है। और अब मैं इसे एक बॉल में डाल के मैश कर लूंगी। ये बहुत ही अच्छी तरह इसको मैश करना है। थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। बकाया दूध भी इसमें शामिल करूंगी। और ये कस्टर्ड पाउडर भी इसी में शामिल करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गया और इधर दूध को भी बॉयल आ गया।
अब इसको मैं छान लूंगी ताकि शक्करकंदी के जो वो बाल होते हैं वो निकाल लें हमने। इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह कर लें। ये वेस्ट है, शक्करकंदी भी सारी नीचे चली गई है बॉल में। बहुत मजेदार स्वीट डिश बन रही है। ये देखिए ये सारी शक्करकंदी मैंने नीचे बोल में लिए हैं। अब ये दूध पक रहा है और इसमें चीनी शामिल करेंगे। आधी प्याली चीनी शामिल कर लिए और ये मिक्सर में शामिल कर दूंगी और मिक्स करती जाऊंगी और इसकी बहुत अच्छी तरह पकाई कर लेंगे। ये एक अदद लाची भी मैंने सब्ज इलायची डाल दी है। इसको गाढ़ा होने तक मैंने पकाना है। चमचा में सलसल चलाना है। ये पकते पकते काफी गाढ़ा हो गया है, इसमें मैं अब मेवा शामिल करूंगी। बाकी चीजें ऊपर लगाएंगे, मेवा इसके अंदर शामिल करेंगे। बहुत ही मजेदार खुशबू आ रही है शक्करकंदी की। बस अब तैयारी के करीब हो रहे हैं। एक मिनट में और पका के चूल्हा बंद करूंगी और इसे बॉल में निकाल लेंगे। चूल्हा बंद और मैं ये एक बोल ले लूंगी और इसमें मैंने सारी खीर निकाल लूंगी।
कुछ लोग कस्टर्ड पसंद नहीं करते, लेकिन शकरकंदी डाल के आप बनाएं सब आशाश कर उठेंगे। अब मैं इसे गार्निश कर लूंगी। काजू, बादाम, और ये पिस्ता। बहुत ही मजेदार शकरकंदी कस्टर्ड की खीर तैयार हो गई है। छोटे बच्चों को बना के दें। जब डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें फूड खिलाना शुरू करें तो हम बाजारी डिब्बे के फूड खिलाते हैं, लेकिन ये ज्यादा ही अच्छी हेल्थी डिश है। आप शकरकंदी की खीर कस्टर्ड बना के दे बच्चों को, बहुत पसंद करेंगे। बड़ों को बना के दे, पार्टी पे बनाए, फंक्शन किसी पे बना लें, मेहमान आए स्वीट डिश बनाए, आम रूटीन में भी आप ये बना सकते हैं, क्योंकि आजकल सीजन है शकरकंदी का, बहुत आई हुई है बाजार में। प्लीज बनाए, इंजॉय करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।